फिलर है, लेकिन फिलर से पहले मैं यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन एरर के हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, जो कि कॉमन सा एरर आता है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज, ठीक है, मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। अब ध्यान रखिएगा, पोएट्रीज़ को कभी हम प्लूरल बनाते ही नहीं हैं, ठीक है, तो ये गलत है। हम क्या करेंगे, पोएट्री ही लिखेंगे, ठीक है। इसका कभी भी क्या होता है प्लोरल, इसका जो प्लोरल होता है वो नहीं बनता है। तो पहले 6 वाले क्वेश्चन में पोएट्रीज ना करके आपको पोएट्री करना होगा, ठीक है। कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको पढ़ने से पता चलेगा, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं बता सकेंगे किस मेरर क्या है, ठीक है। और काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट रूल है उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। आपको नाइदर से वर्ड सेंटेंस स्टार्ट दिख रहा है, तो नाइदर से जब भी सेंटेंस दिखे, आइदर से दिखे, ऐसे केस में वर्ब जो होता है वो कभी भी प्लोरल नहीं होगा, वो क्या होगा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, ये बात आप नोटिस करेंगे, ठीक है। और नाइदर ऑफ के बाद जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नाउन होगा यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, वो प्लोरल में होगा, ठीक है, नाउन हो या आपका यहाँ पे इसके अलावा प्रोनाउन हो। तो खैर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नाइदर से शुरू होगा या आइदर से शुरू होगा, ऐसे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे, आप सिंगुलर करें का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, ए इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर डूमस। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है, ए इंटरेस्टिंग बुक, अब आर्टिकल से यहाँ पे रिलेटेड एरर आ गया, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड एरर क्या हो गया, यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग लिखा है, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि बुक की बात की जा रही है, और ये बुक के अगर हम यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक काउंटेबल है, उसके पहले अगर एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो हम आर्टिकल किसके पहले लगेंगे, उसे एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, ठीक है। तो एन इंटरेस्टिंग बुक यहाँ पे सही होगा, क्लियर, ए नंबर ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट है, एन इंडियन देर आर मैनी पुअर्स, एन इंडियन देर आर मैनी पुअर्स, ठीक है, मैनी पुअर्स, पुअर क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे यस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ पशु पुअर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई वर्क एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। अब देखिए आई वर्क एज के बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ए भी लगा सकते हैं, यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एक आर्टिकल का डिमांड है, यहाँ पे आप आर्टिकल एक यूज़ करेंगे, ठीक, क्योंकि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, यहाँ पे एज ए काउंटेबल इसको समझा जाता है ना। अब चलिए फटाफट, हम ऊपर में क्या था, फिलर था, चलिए फिलर भी फटाफट देख लेते। कई जो कुछ फिलर ऐसे होंगे जो कि सेंटेंस बेस्ड होंगे, सेंटेंस पर अगर आपको समझना होगा तब आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर डायरेक्ट आप रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, ए ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स डैज मॉब, एजिटेटर्स है और यहाँ पे मॉब है, दो चीज़ें, ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर, ठीक है, ब्रेक डाउन द क्या करा भाई, वाइस चांसलर का डोर को क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स क्या करेगा, एक्साइटेड तो नहीं करेगा, पॉजिटिव सेंस की बात है, ये करेगा नहीं, एक्साइटेड की बात पॉजिटिव सेंस में नहीं करेगा, थ्रेटन नेगेटिव सेंस में है और इंसाइटेड भी नेगेटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉब को क्या करें, थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप एक भी किसी एक को, दो को पर्टिकुलर किसी को थ्रेटन कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे के पूरे मॉब को आप थ्रेटन नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, इंसाइटेड कर सकते हैं, क्यों, ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर, वो जब वाइस चांसलर उसके अगेंस्ट में आप क्या करें, उसको इंसाइट करें, इंसाइट मतलब क्या होता है, उकसाना, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या है, उकसाना या भड़काना, जो भी समझे, उकसाना या भड़काना, भड़काना या जिसे और भी क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोवोक भी कहते हैं, प्रोवोक करना, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेस्ट है आपका फ्रेजल वर्ब से। जैसे टर्न के साथ ऑन भी होता है यूज़, आउट भी होता है, ऑफ भी होता है, डाउन होता है, यहाँ पर टर्न द लाइट्स डैश बिफोर यू गो टू बेड, मीन्स बेड पे जाने से पहले आप क्या करेंगे, लाइट को कभी ऑन नहीं रखते बल्कि क्या करते, ऑफ करते हैं, तो ठीक है। और ऑफ होगा यहाँ पे, ऑन का मतलब चलाना, अगर टर्न के साथ ऑन लगा जाए तो क्या होगा, चलाना, ठीक है, अगर टर्न के साथ ऑफ लगेगा तो क्या होगा, बंद करना,
है ना। अब यहाँ पे टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब क्या होगा? टर्न आउट का दो तीन यहाँ पे अर्थ निकलता है, जैसे कि बताते हैं यहाँ पे। पहले तो होगा यहाँ पे टर्न आउट का मतलब होता है उत्पन्न करना भी होता है, सेंटेंस के आधार पे होगा उत्पन्न करना, प्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा हो गया आपका साबित होना, साबित होना मीन्स कि प्रूव होना, साबित होना, या फिर ऐसा भी हो सकता है बाद में पता चलना, ठीक है, बाद में पता चलना, बाद में किसी चीज़ के बारे में पता चलना, ठीक है। टर्न डाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। टर्न डाउन का मतलब क्या होगा भाई, नोट कर ले। टर्न डाउन का मतलब होगा यहाँ पे अस्वीकार करना, अस्वीकार करना मीन्स कि रिजेक्ट करना, ठीक है। आंसर जो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन आप इन तीनों का मतलब ही समझिएगा, टर्न आउट मीन्स चलाना, टर्न ऑफ मतलब बंद करना, टर्न आउट मतलब साबित होना, बाद में पता चलना, या उत्पन्न करना है टू प्रोड्यूस या प्रूफ, या बाद में लेटर बाद में पता चलना, ठीक है, या फिर टर्न डाउन का मतलब होगा रिजेक्ट करना, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देर इज़ नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देर इज़ नो एविडेंस, एविडेंस की बात हो रही है। एविडेंस से यहाँ पे क्या है भाई, आपका नाउन है, नाउन के पहले हमें क्या यहाँ पे चाहिए, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में यहाँ पे कौन सा होगा, एडजेक्टिव में यहाँ पे फैक्चुअल होगा, ठीक है। फैक्चुअल मतलब तथ्य से जो जुड़ा हुआ चीज़ होता है, कोई फैक्ट से जो जुड़ा होता है, तथ्य से या फिर फैक्ट से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, उसे हम क्या करते हैं, एज एविडेंस के रूप में हम वहाँ क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, फैक्चुअल होगा, ठीक। बाकी यहाँ पे अगर फैसल की बात करें, फैसल का मतलब होता है सरल होता है, आसान होता है, आसान होता है, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। फेसेस का मतलब क्या होता है, कि कोई गलत समय पर की गई टिप्पणी, ठीक है, फेसेस मतलब गलत समय पर की गई टिप्पणी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे एक प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि थ्रो ए स्टोन डैश द फियर्स डॉग। तो स्टोन को क्या करेंगे भाई, थ्रो तो कर रहे हैं, ऑन अपॉन एवब एट, यहाँ पे होगा एट, क्यों, जब हम किसी लक्ष्य पर निशाना चाहते हैं या डायरेक्शन के सेंस में होता है तब तो हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, कब करेंगे एट का यूज़, जब एम हो या डायरेक्शन हो तब के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक। और अगर हम और भी अगर बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे एवब की भी बात कर सकते हैं, एवब का मतलब होता है जब कोई चीज़ ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं हो, ठीक है, ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं हो तब हम एवब की बात करते हैं, ठीक। और ऑन अपॉन का बारे में हम लोग बात करते हैं कब, जब कोई चीज़ ऊपर के सेंस में हो, ठीक है। ऑन या अपॉन की बात करें तो ऑन का मतलब कब होता है, किसी वस्तु के ऊपर लेकिन वो सटा हुआ वहाँ भी नहीं होता, स्थान के समय के सेंस में भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये बात को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे सवाल, आगे क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज़ नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ, ठीक, इज़ नॉट सुपीरियर के साथ क्या आप, यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन सुपीरियर के साथ, आपको पता है कि हमेशा सुपीरियर टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन तो एरर का हो गया था, एरर के बाद अब फटाफट देखते हैं ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे यहाँ पे आप ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं या फिर सेंटेंस पर बेस्ड भी समझ सकते हैं। चलिए वो ट्रिक क्या यूज़ हो सकता है, जैसे देखिए ये है इसी का मतलब बताना है आपको, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसका आपको आइडिया बताना है। जैसे मेडन स्पीच का, ही स्पोक वेल दाउ इट वॉज हिज लॉन्ग स्पीच, हिज फर्स्ट स्पीच, ब्रीफ स्पीच, इमोशनल स्पीच। अब वो अच्छा बोला, ठीक है, हालांकि इट वॉज हिज, क्या था भाई, ब्रीफ स्पीच तो कोई देता नहीं है, कोई फर्स्ट स्पीच हो सकता है, लॉन्ग स्पीच अगर को देना, लॉन्ग स्पीच को मीन्स की कोई देने देता नहीं है, इमोशनल स्पीच होता नहीं है ऐसा। अगर मेडन की बात करें तो मेडन का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है, ठीक। ही स्पोक वेल दाउ इट वॉज हिज मेडन स्पीच मीन्स कि हिज फर्स्ट स्पीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ऑल ईयर्स के बारे में बताना, ऑल ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान से रिलेटेड, कान से रिलेटेड की बात यहाँ पे क्या हो रही है भाई, स्टूडेंट
कान की बात हो रहा है और स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस एग्जामिनेशन। अब स्पीकर है, एग्जामिनेशन के बारे में कुछ चीज़ बात कर बताया जा रहा है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? वर ऑल ईयर्स, सभी क्या करेंगे? अटेंटिव रहेंगे, मीन्स कि ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे, स्माइलिंग नहीं करेंगे, रस नहीं करेंगे, साइलेंटिंग, बल्कि अटेंटिव करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ऐसे भी कान से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे एक वर्ड आपको बताना, सैलेड डे। सैलेड डेज का मतलब होता है क्या? इन हिज सैलेड डे ही वॉज क्वाइट अ डैंडी। तो डैंडी और यहाँ पे सैलेड डे से क्या रिलेशन है? डैंडी का मतलब होता है कोई रंगीन मिजाज वाला व्यक्ति, रंगीन मिजाज वाला कोई बंदा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब ही वॉज अ क्वाइट डैंडी, वह बिल्कुल कैसा था? डैंडी था। अगर रंगीन मिजाज का था तो इन हिज कैसा सैलेड डे में, स्कूल डे में तो होगा नहीं, चाइल्डहुड में, ओल्ड एज में, एडोलसेंस में, जब वो किशोर अवस्था में था। ठीक है, किशोर अवस्था में जस्ट आप 14 से अबव हो जाते हैं, 18 से अंडर रहते हैं, वो एक एज होता है जब आप बहुत ही खुश मिजाज, रंगीन मिजाज, टूनक मिजाज, हर तरह के होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सैलेड डे का मतलब एडोलसेंस के सेंस में होगा। नेक्स्ट है, ही इज़ कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। कूल अबाउट, अब भाई नाइट में कौन काम करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। तो नॉट रेडी टू वर्क, ठीक है, आंसर होगा नॉट रेडी टू वर्क, कूल रहना चाहता है, रात में कूल रहना चाहता है, रेडी टू वर्क नहीं, एक्साइटेड वर्क नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्रुंडिंगली, इसका मीनिंग अगर लिखना चाहे तो लिख ले, होता क्या है, नाखुश तरीके से करने वाला, मीन्स कि मन नहीं है फिर भी बेमन से कोई काम को कर रहा है, नाखुश तरीके से काम को करने वाला, काम को करने वाला। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट है कि यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आइज। इसका मतलब क्या होगा, इसका आइडिया बताना, थ्रो डस्ट इन टू माई आइज। अब आँख में धूल झोंकना, इसको क्या कहते हैं, इससे तो पता चल रहा है ना, आँख में धूल झोंकना, धूल झोंकना। तो आँख में धूल जब कब लोग झोंकते हैं, हर्ट करेंगे नहीं, अब्यूज़ नहीं करेंगे, टेरिफाई नहीं करेंगे, बल्कि चीट करने पर, एक तरह से कभी भी कोई चीट आपको करे तो कहते हैं, आप ज़रूर कहेंगे कि आँख में धूल मत झोंको भाई, डोंट थ्रो डस्ट इन टू माई आइज़। ठीक है, चीट यहाँ पे होगा सेंस में। अब यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, आपको रूल, नए नए रूल पता चलते हैं, जैसे कि सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड। ध्यान रखिए, नॉर आई डिड यहाँ पे कहा गया। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसको क्या करना, सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब है उसको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले रखना होगा, मीन्स क्या कि नॉर डिड आई होगा, एक चीज़ पहला रूल। दूसरा चीज़ कि आपको इस तरह से लिखने के बाद भी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा सब्जेक्ट से पहले लिखने के बाद भी, ऐसा नहीं कि आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं, इसके बावजूद भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं, ये रूल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। हार्डली, हार्डली का मतलब भी होता है ना के बराबर, ना के बराबर। तो यहाँ पे ना के बराबर के सेंस की बात नहीं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ना के बराबर नहीं, बल्कि मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, हार्ड, मुश्किल से। कोई भी आपकी पुरानी आदतें वो कैसे जाता है, बहुत ही मुश्किल से जाता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन टैग होते हैं क्या। ठीक है, क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन होता है क्या कि अगर सेंटेंस क्या होगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, निगेटिव में बनता है ना, निगेटिव में बनता है। अब देखिए, वन कैन नॉट बी डिफरेंट इन डिफरेंट टू वंस हेल्थ, कैन नॉट वन, तो ये हो गया कि अगर सब्जेक्ट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव में हो तब क्या करें, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन नॉट ऑलरेडी था, तो यहाँ पे कैन नॉट होगा नहीं, ठीक है, गलत है। इसके लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे कैन वन का यूज़ करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन वन का यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है।
द मदर विद हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट वर्ब एडमिन का या सिंटैक्स का काफ़ी सारे रूल हैं। क्या विथ के साथ अगर दो नाउन जुड़ा हो, ठीक है, विथ के साथ दो नाउन जुड़ा हो तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नाउन है ये क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा तो यहाँ पे वॉज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन इज़ प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे से पता चला कि ये पास्ट की बात है, तो पास्ट के बाद के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट का यूज़ करेंगे, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सी नंबर से जो वॉज प्लीज्ड होगा, सोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे, हैड बीन प्लीज्ड नहीं क्योंकि वो पास्ट में वो याद ही था, लेकिन यहाँ पे पास्ट की चीज़ वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज प्लीज्ड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे साइनो की बात होगा, मीन्स के सिनोनिम की बात होगा, बेस्ट एक्सप्रेस की बात होगा। जैसे कि पिटिशन, पिटिशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, या पिटिशन से रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा, पिटिशन का मतलब होता है कि, तो देखिए पिटिशन का जो होगा करेक्ट साइन होगा वो होगा अपील। अपील मतलब अनुरोध करना, अपील करना। ठीक है, रोटेशन नहीं, कोई चक्कर लगाना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं, वोकेशंस की बात हो नहीं रहा है, यहाँ पे अपील की बात हो रहा है। अब आते हैं प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता क्या है, तो प्रोपोजिशन का मतलब एक होता है प्रस्ताव होता है। ठीक है, प्रस्ताव, तो प्रस्ताव के सेंस में हम क्या करेंगे, प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल। ठीक है, इंटीमेशन नहीं, कोई सूचना नहीं की बात हो रही है। प्रोटेस्टेशन का मतलब कोई विरोध या आपत्ति की बात नहीं हो रही। ठीक है, इंटीमेशन का मतलब सबको पता है कि सूचना होता है, और इसका मतलब होता है आपत्ति या फिर विरोध जिसको कहते हैं। चलिए अब आते हैं विवेशियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। विवेशियस का मतलब होता है ऊर्जावान, जिसको कहते हैं ऊर्जावान या फुर्तीला, फुर्ती से भरा या फुर्तीला कहते हैं। तो आंसर जो होगा इसका, सॉरी ये विवेशियस की बात हो रही है इसका। ठीक है, तो इसका जो होगा साइनो होगा वो होगा लाइवली, लाइवली मीन्स कि ऊर्जावान या फुर्ती से भरा। अब आते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है क्या, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, आलसी। ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, लेकिन इसका मीनिंग भी समझ लीजिए, लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है आलसी। ठीक है, परसेप्टिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट का एक और मीनिंग होता है लूसिड भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे एक वर्ड आते हैं एग्जाम में। स्पोरैडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर मीन्स की रुक रुक कर मीन्स की एक क्रम से नहीं, मीन्स की स्कैटर्ड वे में। ठीक है, स्कैटर्ड वे हुआ इसका आपका साइन। अब आते हैं प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रिजर्व का मतलब होता है कायम रहना, किसी भी बात पर अपने बात पर कायम रहना या दृढ़ रहना, दृढ़ रहना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, इसका साइनो क्या होगा, इसका साइन होगा परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब भी होता है कायम रहना या दृढ़ रहना। ठीक है, वैसे फिकल का मतलब नोट कर सकते हैं, चंचल होता है या अस्थिर भी होता है, स्थिर नहीं अस्थिर, और कांस्टेंट का मतलब सबको पता है कि स्थिर होता है, तो उसी तरह फिकल कांस्टेंट इस तरह से पोलाइट विनम्र के सेंस में होता है। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे एंटो, मीन्स के अपोजिट वर्ड, इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है कि हाँ भाई अमर, अमर होता है, अमर का जो होगा जो कि मतलब अमर मीन्स की सब दिन रहे, वो हमेशा के लिए रहे, इमॉर्टल जो हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए, तो इसका अपोजिट क्या होगा, टेम्प्रोररी। ठीक है, टेम्प्रोररी होगा, है ना, बाकी इटर्नल का मतलब सबको पता है कि इसका मतलब ही होता है हमेशा के लिए। ठीक, चलिए अब आते हैं फोकस, फोकस का यहाँ पे एंटो क्या होगा, फोकस का मतलब आपको सभी को पता है कि किसी चीज़ पर एक एकाग्र रहना, मीन्स कि आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मीन्स कि किसी पॉइंट पर आप अड़े गए हैं, किसी बात पे अड़े गए हैं। ठीक है, तो फोकस का अपोजिट होगा डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब भंग करना, मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं फोकस करके तो उसको उसका अपोजिट क्या होगा, उसको भंग करना। ठीक है, डिस्टर्ब करना। चलिए अब आते हैं वेटरन, वेटरन का मतलब होता है क्या, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, काफ़ी दिन से जो काम लोग करते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, उस काम में निपुण हो जाते हैं, है ना।
इसका अपोजिट क्या होगा? नोविस। नोविस का मतलब होता है नौ सीखिया, नौ सीखिया। जिसमें नौ सीखिया किसके सेंस में कहते हैं? अगर कोई ड्राइवर हो, नहीं गाड़ी चलाने आता है, नैना हो, तो उसे नोविस कहते हैं, नौ सीखिया कहते हैं। ठीक है। इंथुजियास्ट का मतलब सभी को पता है कि भाई इंथुजियास्ट मतलब खुशी से भरा। एक्टिविस्ट मतलब कोई कार्यकर्ता के सेंस में होता है। अब आते हैं सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस का मतलब क्या होता है? फालतू। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फालतू। तो फालतू तो है नहीं, तो वो चीज़ अगर जो चीज़ फालतू नहीं तो क्या है? नेसेसरी है। ठीक है, ज़रूरत है उसकी। ठीक, ऐसे एसेंशियल भी होगा यहाँ पे मीनिंग, लेकिन यहाँ पे चूंकि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। हालांकि ये भी आपका एसेंशियल भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन जो इसके साथ सुपरफ्लूस के साथ जो बनेगा करेक्ट, वो बनेगा नेसेसरी। ठीक है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जो होगा यहाँ पे क्या होगा? इम्बैलेंस के सेंस में होता है इक्विलिब्रियम का। मतलब यहाँ तो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, संतुलन या फिर बैलेंस, बैलेंस्ड। तो यहाँ पे बैलेंस का अपोजिट क्या होगा? इम्बैलेंस। ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? इनकेपेबल ऑफ एरर, जो इंसान कोई गलती कर ही ना सके। ठीक है, जो कभी गलती ना करे उसे क्या कहते हैं? इनकेपेबल ऑफ एरर। एरर का मतलब इनफॉलिबल, ध्यान रखिएगा। इनकॉरिजिबल का मतलब भी होता है जिसका सुधार ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, है ना, सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल कहते हैं। एररनेस का मतलब सबको पता है कि इसका मतलब होता है त्रुटि। ठीक है, इसका मतलब होता है त्रुटि या गलती, है ना। चलिए, ये हो गया इनकैपेबल का। और अनबीटेबल का मतलब होता है अपराजय, जिसे कोई पराजय ना कर सके, पराजय, या किसी जो कोई बंदा को हरा ना सके, अनबीटेबल उसको कहेंगे। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और सी हियर्स। ठीक है, मतलब को किसी भी बात पे भरोसा कर लेना उसको कहते हैं क्रेडुलस कहते हैं। भोला भाला जो बंदा होता है ना, वो किसी के भी बातों पे भरोसा कर लेता है, भोला भाला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्रेडिटेबल। और क्रेडिबल का मतलब होता है क्या? विश्वसनीय, विश्वसनीय। ठीक है, भोला भाला नहीं कि भाई ये तो विश्वसनीय, ये तब करेगा भाई जब उसको उस चीज़ की सही से पता कर लेगा, सही है तब वो विश्वास करेगा। भोला वाला नहीं कि किसी भी बात को समझ लेना कि हाँ भाई ये है तो ये है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेट। जब होता है क्या कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो जाता है, सेपरेट हो जाते, दोनों अलग हो जाते, तो हस्बैंड को एक कानून की तर्ज पर, कानून के नियम के अनुसार वाइफ को कुछ पैसे हर महीने देना होता है, उसे कहते हैं एलिमोनी। ठीक है, एलिमोनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे है इसमें कि पार्सिमोनी मतलब होता है क्या? पार्सी मतलब कंजूस, इसको कहते हैं कंजूस या किफ़ायती। मैट्रिमनी का मतलब होता है क्या अभी? ठीक है, मैट्रिमनी का मतलब होता है विवाह के सेंस में होता है। और होनोरियम का मतलब होता है वेतन संबंधी। ठीक है, वेतन संबंधी या वैतनिक, जो कि वेतन पर काम करता हो, वेतन संबंधी। अब होता है विल्ड इमेजिनेशन। विल्ड इमेजिनेशन का मतलब जो होगा यहाँ पे वो होगा फैंसी। ठीक है, विल्ड इमेजिनेशन मीन्स फैंसी। वैसे विम का मतलब नोट करना चाहे तो नोट करना, सन की होता है या सनक भरा। ठीक है,